दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने आधी शेव की है। अब सवाल यह है कि भला कोई अपने चेहरे पर आधी शेव क्यों करेगा? वजह जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये तस्वीर काफी अजीब दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में जो शख्स है उसने अपने आधे चेहरे की शेव करवा ली है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान है। ये वायरल तस्वीर पूर्व साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस की है, जिन्होंने खुद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की और अपने फैंस को हैरान कर दिया। कैलिस ने अपनी ये फोटो ट्विटर पर पोस्ट की जिसमें वे आधी शेव किए हुए हैं, जबकि उनके आधे चेहरे पर दाढ़ी है। इस बीच लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तस्वीर को शेयर करते हुए कैलिस ने ट्विटर पर लिखा, आने वाले कुछ दिन रोमांचक होने वाले हैं। सस्पेंस से भरे इस कैप्शन के बाद कैलिस के फैंस के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आने लगे। कुछ लोगों ने बॉल से इस तस्वीर को जोड़ा तो किसी ने लिखा कि हो सकता है उनकी पत्नी को दाढ़ी में उनका लुक अच्छा लगता हो और आपको क्लीन शेव में। लेकिन जब उनके इस अनोखे लुक के पीछे की सच्चाई सामने आई तो हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। दरअसल 44 साल के कैलिस गोल्फ के विकास और गेंदों के संरक्षण के लिए एक मुहिम का हिस्सा बने हैं, जिसमें उन्होंने अपने चेहरे पर आधी शेव और आधी दाढ़ी रखने के चैलेंज को पूरा किया। इस चैलेंज का नाम है सेव द राइनो। साउथ अफ्रीका में चलाए जा रहे इस चैलेंज को लेने के बाद आपको अपने चेहरे और सीने पर आधी शेव करनी होती है। इसी नाम की एक संस्था जानवरों को बचाने के लिए काम भी कर रही है और कैलिस भी इस संस्था को बचाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। दुनिया के धुरंधर ऑलराउंडरों में शुमार कैलिस ने जो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की उससे उनके फैंस एकदम चौंक गए। लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आई तो हर तरफ उनकी सराहना होने लगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।